दोस्तों अगर आप भी रिंकू सिंह को बेहतरीन खिलाड़ी समझते हैं तो वीडियो को लाइक करना ना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों रिंकू सिंह ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से आज मैदान के कांच तो तोड़े ही, साथ ही बड़े से बड़े रिकॉर्ड भी तोड़े हैं। रिंकू के इस खास छक्के और साथ ही रिकॉर्ड का वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है रिंकू और सूर्या में बेहतर कौन है, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों एक बार फिर से अब भारतीय क्रिकेट टीम नीली जर्सी में हमें मैदान में दिखने लगी है। कहने को तो अफ्रीका का दौरा करने पहुंची भारतीय क्रिकेट टीम की सीरीज कुछ दिन पहले ही शुरू हो गई थी, लेकिन कमबख्त बारिश इतनी तेज थी कि मैदान में खेल तो छोड़िए टॉस तक नहीं हो पाया। खैर वो मुकाबला तो रद्द हुआ, लेकिन आज सीरीज का दूसरा मुकाबला खेलने के लिए सेंट जॉर्ज पार्क के मैदान में भारत और अफ्रीकी टीम फिर से आमने सामने है। और T20 के नए नवेले कप्तान सूर्या की कप्तानी का नतीजा और उनकी परफॉर्मेंस तो हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत में देख ही चुके थे, लेकिन अब वक्त था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को साबित करने का, और कहना पड़ेगा कि कप्तान आज यहाँ भी नहीं झुके। खैर दोस्तों आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका की टीम भी अपनी पूरी तगड़ी स्क्वाड लेकर मैदान में उतरी है, शायद वो भी T20 विश्व कप की तैयारियों में अभी से जुटना चाहते हैं। मुकाबला शुरू होता है और अफ्रीकी कैप्टन माक्रम टॉस जीतकर अपनी टीम के लिए पहले चुनते हैं गेंदबाजी। और टीम की शुरुआत कितनी ज्यादा खतरनाक थी आप इस बात का अंदाजा इसी आंकड़े से लगा लीजिए कि यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल दोनों शून्य पर आउट हो गए थे, हमारे 6 रन स्कोरबोर्ड पर थे और 2 विकेट गिर गए थे। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि सारा प्रेशर उतार कर भारतीय खिलाड़ियों ने ना अफ्रीका की टीम पर लाद दिया था, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा किया कप्तान सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा की जोड़ी ने। दोस्तों हमारा विकेट दूसरे ओवर में गिरा और पहले ओवर में, लेकिन इसके बाद अगला विकेट लेने के लिए 5 से 6 ओवर लग गए और इस बीच आई रनों की आंधी। तिलक वर्मा साहब का जहां 20 गेंदों में 4 चौके लगाकर 1 छक्का लगाकर 145 का स्ट्राइक रेट था और 29 रन भी, तो कप्तान सूर्य का भी क्या ही कहना, उन्होंने तो 12 गेंदों में 2 चौके 2 छक्के लगाकर 200 के स्ट्राइक रेट से दोस्तों पूरे 26 रन बना डाले थे। और रिंकू सिंह तो आते ही मैदान में पहली गेंद पर चौका जड़कर 400 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे, मतलब कि जिस भारतीय क्रिकेट टीम के 2 ओवर में 6/2 विकेट थे उसके 6ठे ओवर के खत्म होने तक 60 से ज्यादा रन हो चुके थे, भले ही हमारे 3 विकेट गिर गए थे। और दोस्तों मानना पड़ेगा सूर्य कुमार यादव को, जिन्होंने प्रेशर लेने से ज्यादा टीम के लिए परफॉर्म करना ज्यादा जरूरी समझा और इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया भी, फिर वो चाहे तिलक वर्मा हो या फिर रिंकू सिंह क्यों ना हो। इसी तरीके से दोस्तों इन खिलाड़ियों की खौफनाक बल्लेबाजी जारी रही और 10 ओवर में हम फिर 100 तक पहुंची गए थे। और दोस्तों सूर्या ने अपनी इसी खतरनाक बल्लेबाजी को जारी रखते हुए ना 29 गेंदों के अंदर बैक टू बैक 2 चौके लगाकर अपना 50 पूरा कर लिया था। 5 चौके 3 छक्के इनकी पारी में शुमार थे और 30 गेंदों में अब इनके 55 रन से ज्यादा हो चुके थे। उधर रिंकू का भी तूफान आ चुका था जो 14 गेंदों में 20 से ज्यादा रन बना चुके थे। जिस भारतीय क्रिकेट टीम के दोस्तों 6/2 विकेट थे ना, अब 3 विकेट पर उसके 105 से ज्यादा रन थे इन दोनों की बदौलत। और दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने तो 50 जड़ा ही, लेकिन आगे चलकर रिंकू सिंह भी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए ना अपना 50 तो जड़ ही गए, साथ ही ऐसी पारी खेली कि रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना डाले। दोस्तों रिंकू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आपको बता दें कि 38 गेंदों में इस जांबाज ने 9 चौके 1 छक्का लगाकर पूरे 62 रन ठोक दिए थे, लेकिन जैसे इनका 50 हुआ ना इन्होंने कई रिकॉर्ड भी बनाए। दोस्तों रिंकू के करियर का ये पहला 50 था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, वो बना साउथ अफ्रीका में, और इस मैदान पर ऐसा करने वाले रिंकू सिंह केवल इकलौते भारतीय हैं इतनी कम उम्र में। इनफैक्ट इस पिच पर तो बड़े से बड़े दिग्गज फेल होते हैं, वहीं रिंकू ने पारी खेली और ये दोस्तों सबसे ज्यादा तेज तर्रार स्ट्राइक रेट से खेली गई पारी भी बन गई है इस मैदान पर भारत की तरफ से अफ्रीका के खिलाफ। दोस्तों रिंकू तो कुछ ऐसे ही हैं, बल्लेबाजी करते हैं तो रिकॉर्ड्स बनते हैं ही। और दोस्तों इन्हीं रिकॉर्ड्स के साथ साथ ना रिंकू ने अपनी पारी में एक ऐसा खतरनाक छक्का भी जड़ा था एडम मार्करम को, जो कि सीधा जाकर लगा मीडिया बॉक्स में लगी विंडो के ग्लास पर और ग्लास किस तरीके से चकनाचूर हो गया उसका उदाहरण आपके सामने है तस्वीरों के साथ। दोस्तों रिंकू की इसी रिकॉर्ड तोड़ पारी और इस 6 को खास तौर पर आप 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।